हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का वीडियो जो है वो किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं है, बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग द सेफर कार फॉर इंडिया मिशन, जो आप लोगों ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है। आप लोग जुलाई के सेल्स फिगर जो है वो भी काफी अच्छे हैं हमारी कुछ सेफ कार्स के, और जो बढ़ रहे हैं लगातार, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन आज का वीडियो आपका थोड़ा डिफरेंट है, वो है ये जैप का क्विक वन टच जो इन लोगों ने मुझे भेजा था, जैप टेक्नोलॉजीज ने, उसके बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा है। एंड जैप के साथ साथ मुझे इन लोगों ने दो प्रोडक्ट भेजे थे और एक लेटर भेजा था, और लेटर में इन लोगों ने लिखा था कि थैंकिंग यू फॉर रिव्यूइंग अवर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी पहले रिसीव हो चुके हैं, बट दोनों ही प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं ये चाहता था कि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ कि मेरा पर्सनल अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये जो क्विक वन टच है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो मेरा एक और आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैं देखिए एक मोबाइल होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी में दिक्कत क्या होती है कि ये हिलता काफ़ी है। ये देखिए ऐसे जो आप हिलाएंगे इसको, तो मतलब एक बेटर फुटेज नहीं आती है। बाकी जब मैं अपना कभी वाइड एंगल का जो इसमें फुटेज ऑन करता हूँ फोन में, उसमें ये इसका एक पोर्शन आ जाता है, मतलब किसी एक पोर्शन आ जाता है, जो कि प्रॉब्लम इस वाले जैप में नहीं होती है। तो यूज़ करने के बाद मैंने वापस पैक कर दिया था कि मैं आपको एक बार दिखा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाऊँगा आज, जो है जैप का क्विक वन टच। बाकी इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, इसमें दो तीन चीज़ें मिलती हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, बट मैंने वापस इसको पैक कर दिया था। तो ये इसका है हेड माउंट, तो जो कि वन टच है, जिसको ये तभी ये लोग वन टच बोलते हैं। यहाँ पे ये वन टच इसलिए है बिकॉज इफ़ यू प्रेस इट, यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगाया आपने और उसको प्रेस किया, तो फ़ोन जैसे ही प्रेस करेंगे अपने आप हो जाएगा, और इसको रीसेट करने के लिए यू हैव टू जस्ट पुश इट। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको, मतलब अगर आप थोड़े से सस्ते मोबाइल होल्डर में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं मेगा ऑडियो का है, तो ये मैंने भी लिया था एक साल का, तो इसने भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बेकार था, बट इसमें जो है अब प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और ये काफ़ी हिल रहा है, और मेरी जो फुटेज है काफ़ी शेकी आती है जब भी मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो मैं जो है अभी डैश कैम की जगह अपना मोबाइल ही यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है, सो आई यूज़ दैट टू रिकॉर्ड ऑल द फुटेजेस। जो भी आप मेरे वीडियोस में देखते हैं एक्सीडेंट वाले वीडियोस में भी, जो मैं फुटेज में गाड़ी चला रहता हूँ वो सारे मेरे फ़ोन से रिकॉर्डेड है। तो इसमें जो है कभी कभी फुटेज जो है काफ़ी शेक हो जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं ये वन टच वाला फीचर नहीं है, आपको मोबाइल जो है यहाँ पे हटा के इस वाली स्प्रिंग में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ ये है कि देखिए आपने ये ऑलरेडी पुश्ड है, और यहाँ पे अपना फ़ोन डालेंगे तो अपने आप ये देखिए अंदर की तरफ आ जाएगा, ये देखिए, तो बेसिकली ये होल्ड कर लेता है फटाफट। तो ये इसका हेड यूनिट था। तो यहाँ जो दूसरी यूनिट आपको मिल जाती है वो है ये आपका नीचे वाला जो यूनिट रहता है बेस यूनिट, तो ये आपके डैशबोर्ड वगैरह में लग जाएगा, एंड उसको आप यहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं। तो फिट कर देंगे तो ये पूरी एक असेंबली बन के आ जाएगी। का जो बेस यूनिट है इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, दो तीन इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सारे होल्डर्स में नहीं मिलेंगी। ये देखिए एक्सटेंडेबल आर्म है इसमें, ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं, चाहे नीचे कर सकते हैं, एंड इसको फिर लॉक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है वो प्लास्टिक क्वालिटी, या फिर मैं बोलूँ जो भी अंदर स्प्रिंग की क्वालिटी वगैरह, वो काफ़ी अच्छी है। एंड इससे आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं, ये देखिए इसको लूज करके, सक्शन कप है इसमें, जेल लगा हुआ है, तो देखिए आप मेरा हाथ भी चिपक रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज है, नॉर्मल सक्शन कप नहीं है। मैं एक गोप्रो का भी यूज़ करता हूँ, वो एक नॉर्मल सक्शन कप है, और यहाँ पे जो है ये नॉर्मल सक्शन कप नहीं है बट जेल के साथ है, जो कि इसको एक एडेड एडवांटेज देता है। एंड 180 डिग्री का आपको मूवमेंट मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप 180 डिग्री का मूवमेंट है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आगे हम बात करें तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें और मिल जाती है डब्बे के अंदर, तो वो आपका एक प्रोडक्ट कैटालॉग है आपके, इनके पास जैप के पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। जैप का मैं ऑलरेडी एक चीज़ यूज़ कर चुका था, जो कि आपका ये आपका पावर सॉकेट है आपका मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो ये चीज़ मैं पहले यूज़ कर चुका था और ये काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दी थी। तो आई नो कि मेरे को पता था कि जैप एक अच्छी ब्रांड है जिसके लिए मैं रिव्यू कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज प्रोडक्ट अच्छे हैं लोग के। तो ये आपको प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाएगा, इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, बाकी आप हैप्पी हैं कि नहीं है उसके लिए एक आपको एक कार्ड मिल जाएगा, बाकी यूज़र मैनुअल मिल जाएगी आपको एक, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। एंड वारंटी है आपकी जो 12 महीने, यहाँ पे बोलता है कि 12 महीने की आपकी वारंटी है, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से 15 दिन का इनका रिप्लेसमेंट भी रहता है कि इनकेस कोई दिक्कत हो जाए। एंड मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि इसको आपको लगाना कैसे है। यहाँ पे जो बॉल माउंट है ये जाएगा इसके इस तरफ यहाँ पे, तो इसको आपको अनलॉक करना है और इसको ऐसे लगा के, ये देखिए,
तो ये एक सिंगल असेंबली बन जाएगी। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वो चलती गाड़ी में थोड़ा पता लगेगा। और जो मैं वाइड एंगल की बात कर रहा था वो भी मैं दिखाऊंगा कि वाइड एंगल में बेसिकली ये वाला पोर्शन या कोई पोर्शन मेरा जो है आ जाता है फोन में, जब भी मैं वाइड एंगल में मोड में डालता हूँ तो वो शूट बराबर नहीं हो पाता बिकॉज कुछ पोर्शन आ जाता है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। सो गाइज आगे हम देखते हैं कि ये डैशबोर्ड पे कैसे चिपकता है या नहीं चिपक पाता है। तो मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है डैशबोर्ड पे चिपकने के लिए, काफी स्टर्डी फीलिंग देता है। तो ये देखिए, ये देखिए आप, तो मैं अब इसको कितना भी मूव करूँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड हिल जा रहा है ऊपर की तरफ, बट आपका ये नहीं निकल। तो आगे मैं बात करूं तो आपके जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें दिक्कत क्या होती है आपके, देखिए अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे फिट, ये देखिए हिल रहा है ये, तो ये इसका वेट जैसे ही पड़ रहा है इस पर तो सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बट अब देखिए थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए चार्जिंग के लिए इसमें दिक्कत नहीं है, बट इस टाइप के जो होल्डर आते हैं उनमें चार्जिंग, ये देखिए गिर गया, तो इसकी ग्रिप बेसिकली इतनी अच्छी नहीं है। वहीं इसकी मैं बात करूं तो मैं चार्जिंग की बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग का भी आपका जो पॉइंट है ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से आप अपनी कॉर्ड घुसा सकते हैं। एंड ऑल ओवर आप देखेंगे तो ये देखिए, एंड ये है, और ये आपका गिरने वाला है नहीं अगर आपने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। तो ये आपका फ़र्क है दोनों की क्वालिटी में, और ये काफ़ी आपको शेकी फुटेज देता था मुझे। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा फ़ोन है और ये इससे हल्का फ़ोन है, ये थोड़ा भारी फ़ोन है, तो ये तो बिल्कुल स्टर्डी है, बट इसी जगह पे मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ डैशबोर्ड पे, तो अभी देखिए हिल जा रहा है, तो यही दिक्कत है। मतलब कुछ टाइम बाद ये वाले जो आपके मतलब जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है वो वेस्ट हो जाते हैं, और साथ साथ ये हिलता बहुत है, जब हम लोग यहाँ पे आपका शूटिंग करते हैं तो फुटेज जो है बहुत शेकी आती है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइज ये रहा आपका जैप और ये रहा मेरा पुराना वाला मोबाइल होल्डर। तो मैं जो आपको फर्क बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो काफ़ी शेक करता है, दूसरी चीज़ देखिए अभी है ये एक नॉर्मल मोड में, जैसे ही मैं इसको वाइड मोड में डालूंगा अपने फ़ोन को तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक इसी का पार्ट दिखाई देगा, और उसको मैं कितना भी एडजस्ट कर लूँ वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो मेरी किसी किसी फुटेज में भी आपको देखने को मिल सकता है जो मैंने पहले शूट करी हुई है, बिकॉज इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कितना भी एडजस्ट कर लूँ ये सही से इसको नहीं कर पाता है। तो बेसिकली अगर मुझे बिल्कुल वाइड में अपना कैमरा एंगल सेट करना है तो ये दिक्कत देता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ स्नैप के साथ तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो है कोई आपका साइन नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वाइड एंगल पे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वाले के साथ जो मुझे लगती थी, और वो ज़ैप में बिल्कुल नहीं है। बाकी ये स्टडी तो दे ही रहा है, आप चाहे डैशबोर्ड पे लगाओ चाहे आप शीशे पे लगाओ, शीशे में मुझे ये भी दिक्कत नहीं देता बट शीशे में हिलता काफ़ी है ये। वहीं इसकी बात करें तो ये बिल्कुल नहीं हिलता है, और जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है इसकी बहुत अच्छी रहती है। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 माउंट है, ये मेरा GoPro के लिए है, ये मैं अभी तक फ़ोन के लिए यूज़ करता था जब तक ये नहीं आता ज़ैप, एंड ज़ैप जो अभी मैं यूज़ करता हूँ वन टच आपका, इसको वापस हम लोग सेट कर देते हैं एंड वाइड मोड में ही रखेंगे। एंड ये देखिए मैंने जैसे ही पुश किया अपने आप बंद हो गया। अब चलती हुई गाड़ी में आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए, एक फ़ोन मैं यहाँ पर भी लगाने की कोशिश करूँगा, और इसमें कितना हिलता ही और कितनी आवाज़ आती है, और इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है, यही फ़र्क आपको पता लगेगा चलती हुई गाड़ी में। सो गाइज अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पे बिल्कुल बना हुआ है। तो चाहे आप इसका जो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, चाहे आप इसको रोटेट कर लें, मैप वगैरह देखना है या कुछ देखना है अपनी सेटिंग करने के लिए। बेसिकली मेरा पर्पस कभी कभी मैप का रहता है, स्पेशली जब मैं अपने दिल्ली NCR में गाड़ी ड्राइव करता हूँ, बट यहाँ पहाड़ों पे मेन पर्पस अपना शूटिंग का रहता है, तो मोस्टली लैंडस्केप में ही रहता है फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना स्टर्डी है ये, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा था ये बार बार गिर जा रहा था। एक और बार देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो ये अभी लग रहा है कि ये देखिए, तो ये फ़र्क है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ,
कि अगर आप डैशबोर्ड पे लगाने की सोचते हैं तो आपको कुछ कुछ जो हैं मोबाइल होल्डर सही परफॉर्मेंस नहीं देंगे, पर ज़ैप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। थोड़ी देर और गाड़ी और चलाएंगे, मे बी एक मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या परफॉर्मेंस है। तो ये बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ में। और जो मैं आपको बोल रहा था, देखिए वाइड में अभी जाते हैं, वाइड में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होल्डर का कोई पोर्शन आ ही नहीं सकता है, बिकॉज ये होल्डर इतनी सही तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है कि कैमरा को ये इंटरफेयर नहीं करता है। एंड बिल्कुल आपको एक डैश कैम वाली फुटेज ये देता है रेडी करके। एंड काफ़ी बढ़िया होल्डर है। और इसका जो आपका सक्शन कप का साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहीं आप इससे कंपेयर करेंगे अपने GoPro से तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका सक्शन कप का साइज़। सो गाइज, अभी मैंने देखिए इसको होल्ड कर लिया है आपका शीशे में, तो विंड स्क्रीन पे भी कोई दिक्कत नहीं है। विंडशील्ड पे जो इसकी होल्डिंग पावर है वो और ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऑल ओवर ये बिल्कुल हिलता नहीं है। वन टच वाला इसमें आपका फीचर भी मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखिए आर्म भी एक्सटेंड कर लिया है, तो आप चाहे बिल्कुल अपने पास भी रख सकते हैं थोड़ा, अगर आपको पास रखना है अपने ड्राइवर सीट से तो वो भी आप काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेबल आर्म वाला फीचर भी आपको काफ़ी सारी उसमें नहीं मिलेगा, देखिए जो ये एक्सटेंडेबल आर्म का फीचर है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस वाले आपका जो होल्डर है। एंड ये काफ़ी स्टर्डी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वन टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे जो है और ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो टोटल इसका फील है वो बहुत बढ़िया है, ये देखिए। और वन टच जो मैं बता रहा था ये ऐसे लग जाता है, मतलब चार्जिंग का भी कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे भी ये भी एडजस्टेबल है आपका नीचे से, तो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है इस होल्डर में, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड इट। प्रोडक्ट का ओवरऑल लुक है वो बहुत ही बढ़िया है, आपको प्रीमियम फील देता है ये। एंड ये प्रोडक्ट अभी आपको अवेलेबल है 1499 पे। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपका Nikhil10 है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी हो जाएगा प्रोडक्ट पे, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। तो ऑल ओवर आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। और इन केस आप इसे परचेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के साथ। मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड मैं अपने यूज़र्स को ये 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसको बाद में यूज़ करते हैं तो ये जो आपका जेल पैड होता है, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था और इस पर अप्लाई किया था, तो ये जेल पैड कुछ टाइम बाद अपना ग्रिप छोड़ सकता है, स्पेशली डैशबोर्ड के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको बस इसको धो लेना है और सुखा लेना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको पानी से धो के अगर आप धूप में थोड़ी देर सुखा देंगे तो ये रिस्टोर हो जाता है। एंड इन लोगों ने भी ये चीज़ बताई है। सो गाइस, जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे भेजा गया था जैक की तरफ से, वो है आपका टचलेस सेफ्टी डिवाइस, जो आज के कोरोना के टाइम पे काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें आपको एक कवर मिलता है, प्लस आपको ये डिवाइस मिलता है। इसके यूज़ में आपको फटाफट दिखाऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप इसको। बैग अगर आपको टांगना है वो बैग टांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको, एज ए स्टाइलस भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, आपका टच नहीं करना पड़ेगा, आप डोर खोल सकते हैं इससे या बैग टांग सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, तो इसमें आपको लाइफ टाइम की वारंटी है पहली चीज़। एंड प्रोडक्ट सिर्फ 399 का है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसको भी मैं अभी हाल फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कोरोना की वजह से कहीं पर टच नहीं करना पड़ता है इसको। फिर आप सैनिटाइज कर सकते हैं एक पेपर से, तो ये इसके देखिए आप देख सकते हैं, ओपन डोर कर सकते हैं आप, पुश बटन कर सकते हैं, ATM वगैरह में जाते हैं वहाँ भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन टच भी हो जाती है इसमें, ये जो स्टाइलस टाइप का यहाँ पे मतलब ये काम कर जाता है, ये जो इसका फ्लैट पोर्शन दिया हुआ है। साथ साथ आप इसको एज अ हुक भी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली बहुत बढ़िया है। एंड कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। सो इस पे भी आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कंपनी ने मेरे कोड से जनरेट किया हुआ है। तो Nikhil5 का आपका कोड है इसके साथ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और 399 में आपको एक 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये आप बिल्कुल आप इसको भी मंगा सकते हैं, इसके यूज़र्स काफ़ी हैं और कोरोना के टाइम पे ये बिल्कुल यूज़फुल है। एंड मैं फटाफट आपको वीडियो में इसके यूज़ दिखा दूंगा कि कैसे कैसे इसको हम लोगों ने यूज़ किया, प्लस साथ में इसमें की चेन भी दिया हुआ है। एंड बेसिकली ये जो बना हुआ है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेड फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल कॉपर एलॉय, 70% कॉपर है इसमें और 30% जिंक है, तो अपना जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी मतलब उसके लिए भी ठीक है ये एंटी माइक्रोबियल जो इसका मेटल कॉपर और जिंक का बन के आता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है इसमें। एंड डेफिनेटली ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब सही प्राइस पे काफ़ी बढ़िया काम कर जाता है। आप यहाँ पे अपना फिंगर डालिए और जो भी आपको डोर ओपन करना है, आपको बैग टांगना है, तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड बोथ द प्रोडक्ट्स एंड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। एंड
दोनों प्रोडक्ट में अगर बात करें तो इसका यूजेस मेरे को ज़्यादा है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। तो ये तो आप मंगाएं मगर आपको अगर आप मैप देखते हैं या आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको एक मतलब रिलायबल मोबाइल होल्डर चाहिए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है इससे बढ़िया आज की डेट में। जिस प्राइस पे ये मिल रहा है काफ़ी बढ़िया प्राइस है। एंड ऐसे होल्डर आप लेंगे तो ये कुछ टाइम बाद वही है कि आपको धोखा दे देंगे और ये चलते चलते जब आप ड्राइव करते हैं तब ये गिर जाता है और इस पर वेट जैसे ही पड़ता है तब गिर जाता है, तो वो बड़ा चुभता है। एंड मेरे कई वीडियोस में पहले ऐसे हो चुका है कि मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत चला दो मिनट चला, उसके बाद हल्की सी बंपी रोड आई और मेरा फ़ोन गिर के इससे नीचे गिर जाता था, तो वो बड़ा मेरे को पिंच करता था। बट इसमें वो कोई भी चक्कर नहीं है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, तो आप इसको ज़रूर खरीदें। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल देने की कोशिश करी है जो भी है, और साथ में कंपनी आपको एक डिस्काउंट भी दे रही है मेरे कोड से। तो इन केस आप इसको परचेस करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझे इससे ज़रूर शेयर करिएगा इन माय कमेंट बॉक्स। आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टोटल इन दोनों प्रोडक्ट के साथ, जो भी आप प्रोडक्ट मंगाते हैं आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, जो आपको एक तो आपका ये कोरोना के टाइम पे आगे भी हमें पता नहीं कि कब तक ऐसी सिचुएशन चलने वाली है, तो ये टचलेस डिवाइस जो है ये मैं हमेशा कैरी करके रखता हूँ, हमारी मेरी जेब में ही रहता है ये हमेशा। एंड प्लस ये मेरी गाड़ी में लगा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए और लोगों को बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड आप खुद खरीदिए, खुद अगर आपको ज़रूरत है आप बेहिचक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।